का ये काम है गुरु की सेवा करना. जो देता नहीं उसे मिलता नहीं, ये ना समझना कि मैं डांगे बदल, मगर जो गुरु लेता है वो मारा जाता है. इस वास्ते ये परोपकार का काम होता है. यानी शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना दे. जो चेला देता सर्विस नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता, ये बता देता हूँ आपको. ये ना समझना कि दो और नाम किन को मिलता है पता है? पहले दाता शीश भया, जिस तन मन अर्पा शीश. पीछे दाता गुर भया, जिसने नाम दिया बख्शी. क्या मतलब? तन मन धन देने का मुराद क्या है? अपने तन को ना समझना कि मेरा है, मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं. जिसने जिसको इस बात का यकीन हो गया उसको तो नाम मिल गया. उन्होंने उसको क्या नाम देना है? तो समझे मेरी बात को मैंने क्या कहा? उसको तो नाम मिल गया. पिछले जमाने में ऋषियों के पास जाते थे बड़े बड़े राजे महाराजे ज्ञान हासिल करने. वो क्या करते थे? आश्रम में सेवा करो भाई, एक गाय दे देते, जब 100-200 हो जाए फिर आना. वो जो उसमें निष्काम सेवा की होती है ना, उनको अपनी निष्काम सेवा से खुद बहुत ज्ञान हो जाता है. उनका मन से कोई शख्स ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसका तन मन और सुर फिर नहीं होती. तन फिर, मन फिर, सुर नृत्य फिर हुए कहीं कभी तादाद को परिवारित हो. लाख इंसान वाचिक ज्ञानी हो जाएगा, उसको रियल ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपने तन मन को उसको खेल नहीं कर देता. सोचो मेरी बात. यही बात आज सुबह मैंने कही थी कि अपने आप को उस हालत में ले जाओ जिस हालत में कि तुम बीज रूप में थे. जब तुम बीज रूप में, बीज के कीड़े के रूप में थे, तुम्हें पता है कुछ कि सब कुछ भूले हुए थे ना. कर्म इंद्रियां नहीं थी, ज्ञान इंद्रियां नहीं थी, उनका कारण रूप था. जिस तरह बर के बीज में सारा दरख्त था, इस तरह से उस बीज कीड़े में सारा इंसान था. तो जब तक कोई यही बाबा सावन सिंह का 10 द्वारे रंग हो जाके सतगुरु को होता, दुनिया ने बाबा सावन सिंह की बात को समझा नहीं. साधन जरूर करना चाहिए. दो किस्म के साधन होते हैं, एक कंसेंट्रेशन होती है, एक मेडिटेशन होती है. मेडिटेशन में इंसान शक्ल बनाता है, विचार करता रहता है, अनुभव आता रहता है. मगर कंसेंट्रेशन में जो सुई होती है, जिस तरह नमदे में आप सुई खोप देते हैं, इस तरह से अपनी सोच को जब गुरु के रूप में देखो, प्रकाश में देखो, सोच में, इस तरह से उसमें दाखिल हो जाओ कि तुमको सब कुछ भूल जाए. जब ये अवस्था आ जाएगी फिर ज्ञान ही ज्ञान. मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ का तरीका बता दिया. कई आदमी अभ्यास करते हैं, वो ये देखना चाहते हैं अंदर में ब्रह्मा आ जाए, विष्णु आ जाए, शिव जी आ जाए. ऐसे एक पखंड का जाल बनाया हुआ है. कई कहते हैं सतलोक में महाराज बड़ी बड़ी गायें होती हैं, दूध होते हैं, ये होता है. अरे ये जो कुछ नजारा है सब इंसान के अपने मन का. भिष्ट का जिक्र है, हिंदुओं में भिष्ट का क्या जिक्र है? वहां आग नहीं है. स्विट्जरलैंड के भिष्ट का जिक्र है, वहां आग होती है. हम अरब में वहां लिखा हुआ है, वहां हुलों के साथ गुलाम होते हैं. आप समझो मैं. और खजूरें होती हैं हमारे यहाँ, आम होते हैं और जामुन होते हैं. ये है क्या? जिस किस्म का ख्याल इंसान के दिमाग पर है वही फूलता है. हमको पता नहीं, हम सब पे मन के चक्कर में आकर फंस गए. मेरी जिंदगी देखो, एक दृष्ट था मेरा 1905 का, वो थी माया. उसने मुझे कितना खेत लाया. जितने मैंने काम किया है माया ही के बस में किया है ना. मगर चूंकि मेरा हृदय शुद्ध था, सच्चाई का खास मन था, मेरा मन ही मेरा रक्षक था, मेरा मन ही मेरा पक्षक था.
माया ही आदमी को फंसाती है और माया ही आजाद करती है। माया ही आदमी को फंसाती है और माया ही आजाद करती है। इस माया को ठीक करने के लिए सत्संग है, वो भी किसका, जो खुद माया तीत हो। अगर मैं इस वजह से यहाँ बैठा हुआ हूँ कि आप मेरा मानता मंदिर बन जाए और मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी संग से आपको कुछ नहीं मिलेगा, माया ही मिलेगी। आप बैठे हैं यहाँ, चला गया वो, चला गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप योग हैं, अगर आप खुद सच्चे हैं, प्रकाश शब्द का साधन करते हैं, तो होगा क्या, जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो तुम्हारी रेडिएशन लेगा। अगर मैं गंदा हूँ, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं लाख लोगों को उपदेश करता रहूं, मैं गंदगी ही फैलाऊंगा। मैंने क्या कहा आप, ये है जो मैं आप लोग आए हैं ना, इन्होंने लक्ष्य विद्या के लिए कुछ, ये मैं तो आपको अमली जिंदगी बताता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ। जब कोई तकलीफ आए, मुसीबत आए, कुछ ना करो, अपने कमरे में आया ना चले जाओ, अपने अंतर में आप बैठ के अपने आप को सपोर्ट करो, तुम देखोगे कि कुदरत कोई ना कोई वसीला तुम्हारी उस सॉल्वेशन का निकाल देगी। ये है जो मेरी समझ में आया। क्या टाइम क्या हो गया, अब वक्त हो गया है, आज शाम को फिर सत्संग होगा, तो दूसरे आदमी को मौका दिया जाएगा बोलने का, आशीष बोलेंगे। तो आप लोग आए हैं, बताओ आपने काम दिया। दोस्तों मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, आई फील द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अकेला होता हूँ, पूछता हूँ बीस टन तू मकड़ी का डाया बनाएगा, तू इनको क्या दे सकता है, ये मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुम्हें ये मकड़ी का डाया बनाया, वट कैन यू गिव टू अदर पीपल। मैं आपको अपनी जिंदगी का जो तजर्बा है वो देता हूँ, एक दूसरे गुड विशेष देता हूँ। अगर आपके दिमाग के अंदर प्रेम अपने विश्वास से तुम मुझको बनाकर प्रत्याहर करा देते हो, डूबते हुए बता देते हो, दुआइयां बता देता हूँ, मेरा रूप बता देता है, इसके साबित हुआ है कि आपके मन में ताकत है, तो मेरे मन में भी ताकत है। तो मैं क्या करता हूँ, दुखी मेरे मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ इसका दुख दूर हो जाए। जो आदमी उसको मान जाते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं, और प्यारे ही होली मिलता है। आई डू नथिंग। आप एक गुरुवाई को दोस्तों एक दिन चलना है, चलना है दूर मुसाफिर, चले जाना है। इस दुनिया की इज्जत और दुनिया की मान, दुनिया की दौलत, दुनिया की हवस मेरे साथ जाएगा, जब प्राण निकल जाएंगे, जो कुछ मैंने किया हुआ है, जो कुछ मैंने सोचा हुआ है, ये मेरे साथ जाएगा। आप समझिए मेरी बात को, मैंने कहा तो आपका सत्संग मैंने कह दिया। आप लोग आए हैं, मैं आपको गुण बताते रहा दुनियादारी के लिए, कुछ नहीं करना। जब मुसीबत कोई तकलीफ आए, सत्य बन के अपने अंतर जहां मैं हूँ यहाँ अपने इष्ट का ध्यान करो, जितने सत्यों के तुम पुकार करोगे, कुदरत कोई ना कोई सामान तुम्हारी रेमेडी का बना देंगे। ये मैं क्यों कहता हूँ, मेरा बनता है और लोगों का सत्संगों का बनता है, और मैं वो समझ गया बाबा करता है। अरे बाबा कौन फलुआ करने वाला, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी अपनी श्रद्धा, तुम्हारा अपना ही कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तुम्हारी बड़ा फायदा करता। अब मैं गुरु बनने के पाप से बच गया, कि जितने गुरुओं ने काम किया है लोग कहेंगे सच लोग गए, इन्होंने इतना पर्दा रखा है, और हम गरीबों को सच्ची बात न बता के अपना अपनी जायदादें बनाई अपने बच्चों के लिए। तुम ये समय जो सतलोग गए होंगे, अगर कर्म की विरासत भी ठीक है, तो ये सतलोग कहाँ गए, कहीं नरक में होंगे। जगन्नाथ चूक लंसर चार दिन की जिंदगी के लिए किसी ये पकड़ पाओ, गुरु मत को नहीं समझा, तुमको क्या कहूं, मैंने खुद नहीं समझा।
मैं भी सारी जिंदगी गुरु पशु बना रहा, गुरु के रूप को नहीं, गुरु की असली गुरु माता उसको नहीं समझा। आज आपको बताता हूँ गुरु मत है क्या, गुरु करता क्या है। निकला निकल लोग आए हैं, मेरे काम अपने नाम अपने शोहरत अपने लालच के नहीं किया, बिल्कुल किसी सत्संगी का मैंने पैसा नहीं खाया सिवाय कटनी वालों के या शेर दुर्गादास के या लड़के मेरा देता है। मंदिर के सब्जी जाती है पैसे देता हूँ, डॉक्टर अगर फैमिली को देखने जाए उसको फीस देता हूँ, अगर नहीं देता तो मंदिर में दे देता हूँ। क्योंकि मेरे दिल में एक ड्यूटी थी, मैंने प्रण किया था, मेरे वास्ते जो गुरु मत एक बड़ा अचंबा था। और सुबह सबक सुनाया था ना, सबका खंडन था, मैं देखना चाहता था गुरु मत के पास है क्या, सदगुरु करता क्या। हेलो सतगुर मरि चूक सवारो, सतगुर मरि चूक सवारो, हाँ अधीन मत मोरे, हाँ सारे जग
कोई ना मिलो पन भारो, कोई ना मिलो पन भारो, कहे कबेरे सुनो प्रभु मेरे, कहे कबेरे सुनो प्रभु मेरे, भव सागर से तारो, भव सागर से तारो, दाता मेरी चूक संभारो। अब चूक किसे कहते हैं? गलती को। मैंने अपने आप को संत सद्गुरु वक्त कह के प्रकट किया है। अपनी आत्मा से पूछता हूँ, वे बेहजा फकीर चंद, तूने अपने आप को संत सद्गुरु कह लिया, तू बता तू किसी का क्या भया कर सकता है? ये क्वेश्चन है जो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम गलतियां खाते हैं वो पब्लिक को बताया जाऊं कि तुम्हारी ये गलती है, इसलिए तुमको ये तकलीफ है। यही कुछ कर सकते हैं और तो कुछ नहीं। अगर फर्ज को मैंने ये कहा है तो मैं मुजरिम नहीं। दाता ने मुझे कहा, तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के शीशा, तीन तापसी जीव दुखी है निवर अवर अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। दूसरा उन्होंने हुक्म दिया, तेरा रूप है अद्भुत अजय, तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दया से। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, इसीलिए वो कहते हैं जगत को भव सागर से पार कर, क्या मैं अपनी आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता? तू वकील जन, तू जीवों के दुखों के दूर करने का क्या इलाज है तेरे पास? जगत के कल्याण का तेरे पास क्या इलाज है? भव सागर से पार करने का तेरे पास क्या इलाज है? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। मैंने एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता। सबसे पहली चूक तो ये है कि हमने मनु जो ऋषि थे हमारे, उनके कवायद को हम भूल गए। मनु ने पहले सबसे ये कहा कि संतान को कैसे पैदा करना चाहिए। मनु की किताबें पढ़ो, जिन्हें पढ़ी हुई। हमारी क्या चूक है? हम संतान को संतान के ख्याल से पैदा नहीं करते। विषय भोग में आकर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो जिस किस्म के जज्बात उस वक्त माँ बाप के होते हैं उनका असर उस बच्चे पर जाता है। इसका सबूत अब मनु इतिहास कहता है कि जब वो माँ के पेट में था तो अर्जुन चक्कर भेजने का जिक्र कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो जब निकलने का जिक्र आया वो अर्जुन की बीवी सो गई। अब उन्होंने चक्कर भेजा तो मैं क्या कहना चाहता हूँ चूक तुम्हारी, हम दुनिया में दुखी हैं, संतान से दुखी हैं, हमारी औलाद क्या करती है, घेराव करती है, क्या कोई मुसीबतें हमको आई, क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी चूक ये है कि हमने औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा नहीं किया। चूंकि मैंने अपने आप को संत सद्गुरु कहा, गुरु का काम है चूक गलतियों को, ये गलती पहली है। दूसरी गलती ये है कि हम लोग सनातन धर्म के मैं पैदा हो पा रहा हूं। सबसे पुराना धर्म क्या है? जब सृष्टि आई तो परमात्मा ने अपने संकल्प से दुनिया को एक पुरुष पैदा किया, मनु। मनु ने अपने संकल्प से स्त्री पैदा की, ये शास्त्र कहते हैं। और क्या ये झूठ है? ये ठीक है। लोग जागृत में अपने ख्याल से मुझे पैदा कर लेते हैं, मेरा रूप बना लेते हैं और मेरे रूप से काम ले जाते हैं, पर्चे हल करा जाते हैं। साइंस के पर्ची कहता बाबा को डिक्टेट कर गया, मेरे तो बाप को पता नहीं। तो क्या साबित हुआ कि इंसान के ख्याल में ताकत है। तो हम जो कुछ
इस जिंदगी में करते हैं, हम गलत ख्याल लेते हैं, नेगेटिव आइडियाज लेते हैं, नफी के ख्याल लेते हैं, इसलिए हमको मुसीबतें आती हैं। एज शैल यू थिंक सो शैल यू बी। दूसरी चूक ये है, मैं इच्छा के साथ बोलता हूँ। तीसरी चूक क्या है, हम इस दुनिया में आते हैं, सभी जानते हैं कि जो आता है वह जाया जाता है, कोई किसी का नहीं, मगर हमने इस दुनिया को सत माना हुआ है। हम जाते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारी दुनिया हमारे वास्ते हमेशा के वास्ते है, हालांकि ये दुनिया कैसे है। अगर इंसान तुम सोचो कि तुम जब ये संत महात्मा जो बड़े बने फिरते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी हस्ती इस दुनिया में है क्या, कितनी सृष्टि है, कितने कुए हैं, कितनी जिंदगियां हैं, कितने आसमान हैं। अगर दावत इंसान की जिंदगी एक इंसान की खास कभी है या लाला स्वामी है या दादा दाया बड़े से बड़े अखलास पर है, उसकी हस्ती है क्या। हम सब ही अपनी मैं में आए हुए हैं, संत अपनी मैं में आया हुआ है, वेदांती अपने मैं में आया हुआ है, साधु अपनी मैं में आया हुआ है, गृहस्थी अपने मैं में आया हुआ है। आप सोचिए मेरी बात को, दिमाग वाले हो, जरा सोचिए थी कि तुम्हारी हस्ती क्या है दुनिया में। हम संत बन गए, कोई कबीर बन गए, कोई राजा सौ बन गए, कोई नानक बन गए, कोई पीर बन गए, क्या कुछ जमीन से आसमान तक कराबे बनाते हैं। अगर देखा जाए दुनिया को करके, अगर तुम ये कहो कि वेदांति की दुनिया नहीं है, जब इंसान इस तरह से अपने ख्याल को हटा देता है या सो जाता है, उसके उस वक्त उसके लिए दुनिया नहीं है। मगर अगर ये कहा जाए कि ये जगत है ही नहीं, ये गलत है। दुनिया है, सिर्फ जो आदमी अभ्यास करता है वो अपने ख्याल से इसको भूल के किसी और तरफ अपनी तवज्जो को लगा ले, वो उस वक्त उसके लिए दुनिया नहीं है। मगर हम वेदांती क्या कहते हैं, जगत मिथ्या है। अरे जगत कैसे मिथ्या है, जो कुछ तुम्हारे अंतर में ख्याल फिरते हैं वो मिथ्या है, दुनिया मिथ्या नहीं है। एक चूक हमारी ये है। चौथी चूक ये है कि हम चाहते हैं पार होना इस संसार से। अब मैं ये पूछता हूं कि क्या सबूत है किसी के पास, ये संत जो कहते हैं नाम ले जाओ तुम सतलोक पहुंच जाओगे, अगर ये मरते समय दह पीके तो नहीं जाते, लोगों के अंदर इनका लूट जाता है और ये सच्ची बात नहीं कहते और प्यादे देते हैं, तो क्या ये मुजरिम नहीं है। तुमने लाख शब्द अभ्यास किया हुआ है, तुमने लाख काम किया हुआ है, तुमने नेकी से नेकी काम किए हुए हैं, तुम आवागमन से नहीं बच सकते। कब बचोगे, अगर मरते समय तुम्हारे सामने कोई गुरु आ जाएगा, राम आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा, मोहम्मद आ जाएगा, तुमको अच्छा चेला मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, मगर जन्म मरने तुम नहीं बच सकते। इसका सबूत आजकल के डॉक्टर देखे, प्रेजेंट डॉक्टर, डॉक्टरों ने स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए, कैनेडा, इन्होंने मरने वालों को सेंसिटिव प्लाजू पर रखा, और जब एक सामने स्क्रीन लगा दी उसके ऊपर खास मसाला लगा दिया, जब वो मरने वाला मरा तो उसकी रूह को जाते हुए उन्होंने स्क्रीन पर देखा, और उसी वक्त वो जो बॉडी था जिस मरने वाले का, किसी का 5 ग्राम, किसी का 10, 25 ग्राम से वेट लेस हो गया। इससे क्या साबित हुआ कि जो चीज अंदर से निकल के गई है वो या 5 ग्राम है या 10 ग्राम है या 20 ग्राम है या 25 ग्राम है, साबित हुआ क्या हुआ। अब जो चीज भारी है उसको ग्रेविटी अगर खींचेगी, विश्वामित्र मेरी बात को सुनकर दूर से आए, तुम कहां से इतना रुपया खर्च करते हो। I want to discharge my duty, मैं सच्चे बन के आपको मैं सच्चाई बयान कर जाना चाहता हूँ। आपका जी चाहे मानता मंदिर में मदद करो, आपका जी चाहे मत करो, आई डोंट केयर, मगर मेरी ड्यूटी है
चूक में बताता हूं। अब तुम सोचो कि वो जो भाई हुई वो क्यों हुई, जहां ब्रिगेडियर साहब भी सुन रहे हैं उनको भी कहता हूं, वो भाई क्यों हुई? क्योंकि मरने वाले के मन के अंतर ग्रास मैटर का प्रेम था। ग्रास मैटर में बाप मां भाई गुरु का देह गुरु का आश्रम, राम जो जिसम के घर पैदा हुआ, कृष्ण जो गोकुल में पैदा हुआ, मोहम्मद जो वहां पैदा हुआ, क्राइस्ट जो यरूशलेम में पैदा हुआ, जो आदमी इनके साथ प्रेम करेगा, दावत के साथ प्रेम करेगा, मतलब ग्रास मैटर किसी फॉर्म में प्रेम करेगा, जब उसकी रूह जाएगी उसका जिसम वो जो सूक्ष्म शरीर है वो वेटी होगा। जब वो वेटी होगा तो लाख तुमने शब्द योग किया हुआ है, लाख तुमने जो मर्जी चाहे किया हुआ है, तुमको फिर ग्रेविटी आज खींचेगी, तुमको इस बड़े आदम से पार नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी। तो मेरे दिन में जो ड्यूटी है, मैंने पब्लिकली कहा कि मैं छन सदगुरु वक्त, इसकी मैंने मत समझना कि मुझे स्वभाव का पार लग गया या मैं जादूगर हूं या मेरे में कोई शक्ति आ गई है, यह गलत है। जो कुछ किसी को मिला वो उसके अपने विश्वास और श्रद्धा का फल मिला। मैं किसी को कुछ नहीं देता और ना कोई और गुरु देता है। ये सिर्फ एक पखंड का जाल है या भोले भाले जीवों को एक चक्कर में बांधा हुआ है। और ये यादा स्वामी दयाल ने एक बानी में, गुरु जी मैं गुनागार अति पाई, कामी क्रोधी पापी हंसक असस पाप करे, उसमें कड़ी आती है, नर नारी बहुते बस्ती ने और भोले भक्त धोख लिया। हम महात्माओं ने अज्ञान में रखकर जीवों को धोखा दिया है और अपने पीछे लगाया है। मैं बड़ा निर्भय होकर बात कहता हूं क्योंकि मेरे दिन में ड्यूटी है। दासा ने कहा तालीम बदल जाना, मैं तालीम बदले जा रहा हूं। लाख तुम भक्ति करो, लाख तुमने दान किए हुए हैं, लाख तुमने ऐसी शर्मा सुन ले मेरी बात, बेशक लक्ष्य देता फिर जो मर्जी चाहे करता फिर, अगर एट द टाइम ऑफ योर डेथ तुम्हारी अटैचमेंट बाबे फकीर चंद के साथ भी है और मानवता मंदिर के साथ है या राम जो दशरथ है उसके साथ है, कोई दुनिया की ताकत तुमको आवागमन के जन्म मरण से नहीं बचा सकती। समझे पृथ्वीनाथ और क्या नाम है नंदलाल या आनंद राव, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं अपनी ड्यूटी अपना फर्ज अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता हूं। तो आज शब्द निकला था वो कहते हैं सदगुरु पढ़ो, दो सदगुरु मेरी चूक सुनाओ। सतगुर मेरे चूक सवारो, हाँ चरणन ते नया बेकारो। इंसान दिल ही क्यों होता है, शक्ति क्यों ना करता है? मेरे पास मेजर मेजर साहब जय सिंह जी आए, इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मुझे शक्ति नहीं करनी आती, मैं हैरान सा, मैं क्या आप भक्ति के फिट हैं? आपका रास्ता भक्ति नहीं है। भक्ति करता कौन है जिसमें कोई वीकनेस है? सबसे बड़ी वीकनेस है इंसान की ब्रह्मचर्य के गिर जाने की। मैंने कहा तुम्हारा ब्रह्मचर्य तगड़ा है, तुम हेल्दी हो, तुम भक्ति कर, आपका भक्ति मार्ग है ही नहीं। राधा स्वामी मत में सिर्फ गुरु की भक्ति है। सुबह संत तारा ने बहुत कुछ कहा, वो जिस मंजिल पर बैठ के बोलता है वो ठीक है, मगर गुरु की भक्ति है क्या? गुरु को रुपए देने से, गुरु की आज्ञा करने से, गुरु को कपड़े देने से, गुरु का मन मंदिर बना देने से, ये बिल्कुल अशुभ प्रकार की भक्ति है। गुरु की भक्ति है दर्शन करे बचन पुनी सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर रहे किस सारा, कर सा कर सार किस करे आहारा, कर आहार खुश हुआ भाई जब अब पैसा गई हुआ। तो हमारी चूक क्या है?
हम लोग मानसिक और शीर्ष ब्रह्मचर्य से गुरु हैं। इस बात से मैंने तारीख को बदला है, मेरे पास नौजवान आते हैं, जिस नौजवान बच्चे को मैं ज्यादा पट्टी करके देखता हूँ मैं फौरन समझ जाता हूँ उसकी शक्ति कमजोरी है। ये क्यों कहता है, मेरा अपना जिंदगी मेरा मुंह काया करता हूँ, 13 साल की उम्र में शादी हुई, 15-16 साल की उम्र में गृहस्थ में फंसा, तो फिर रोना मेरे कर्म में था और कौन रोता मेरी बजाय। कि जितने भगत जन हैं रोते रहते हैं, ये वो हैं जिनके वीकनेस है, कोई ना कोई सबसे बड़ी वीकनेस है मानसिक और शीघ्र ब्रह्मचर्य की गिरावट। आप लोग नाम देते हैं, आपको बताया गया तुम्हारी शर्मा, लोगों को सही रास्ता बताओ ताकि लोगों की जिंदगी बन जाए। मैं आपको बताता हूं, मैं मास्टर ऑफ लॉ ऑफ नेचर हूं। मैं एक बार दाता दा के दरबार में गुजर जाने के बाद किया तो वहां गोरखपुर से कुछ आदमी आए, एक लड़का था नौजवान, बीए में पढ़ता था, वो बहुत ढूंढ रहा था मस्ती में, ऐसे ढूंढ ढूंढ के आता था। तो मैंने दूर से देखा, मैं उठ के उसकी बात पकड़ी, मैं क्या मैं तेरे वहां के होशियारपुर से आया हूँ, फिरोजपुर से आया हूँ। लोग समझे वो आता था, बड़े मेहरबान हो गए इसके ऊपर, लेकिन दूर से इसी के ही आए हैं सत्संग। वो मैंने कहा बात सुन, हाँ बैठा अकेला, मैं क्या सच बता तू हाथ रसी करके बिजली नहीं जाया करता। जाया नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या बेच जा मर जाएगा। तो मैंने क्या तालीम बदली है, नौजवान बच्चों को कहना चाहता हूँ, अपना चार चरण सीख रखो, अपने मानसिक को सीख ब्रह्मचर्य को पालो, वरना तुमको या डॉक्टर लूटेंगे या मेरे जैसे महात्मा लूटेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, तुमको अगर तुम अपने मानसिक सीख ब्रह्मचर्य नहीं रखते हो तुम कमजोर, तुम फिर दीन हो जाओगे। कहते हैं दीनहीन, दीनहीन कौन होता है, दीनहीन वो होता है जिसके मानसिक सीख ब्रह्मचर्य गिरे हुए हैं या वो आर्थिक कठिनाई हो उसको, और दीनहीन का कोई। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला है, ये है चूक हमारी। अरे उनको क्या कहते हो, हमारे ऋषि, हम प्राय नाम हिंदू हैं, मनु हमारा आद गुरु हुआ है, कौन हिंदू है, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, राजपूत कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, कौन है जो मनु के असूल के मुताबिक बच्चे पैदा करता है मुझे बताओ, नहीं करता तो मुझे बताओ। मैंने किए, मैंने भी खुद औलाद पैदा की, मैंने एक औलाद पैदा की फर्जी शेख अफर चाहिए, वो मेरा लड़का शाह पदम जंग आया हुआ। मुझको जिंदगी में आज दिन तक ये मौका नहीं मिला कि मैं पदम को मारूं या गाली निकालूं, इसे मुझे चांस ही नहीं दिया, चांस ही नहीं दिया। जहां आता है मेरी रक्षा पर नहीं करता, कहता पिताजी की रक्षा है। ये मेरी अपनी फिर में है, मेरी एक बड़ी लड़की है, उस वक्त मैं भी पागल था मजबी, मैं सोचता था मेरे घर में ना मेरा बच्चा हो, मैंने दाता को भी लिखा कि ऐसा बच्चा हो ना कामी हो ना क्रोधी हो ना लोभी हो ना मोही हो ना मानी हो, वो ऐसी लड़की पैदा होगी, वो नहीं हिम्मत है। ये मैं अपना मुंह काया करके तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है, क्यों बताना चाहता हूँ, मेरे सर पर गुरु है, बताओ कुछ है। मैं जानता हूं मेरी बात को सुनने के लिए दुनिया तैयार नहीं, इसको मैं जानता हूं, मगर मैं मजबूर हूं, इसलिए ये चूक है हमारी। इस वास्ते मैं कहता हूं तुम अपने बाल बच्चों के चार चरण का ख्याल रखो, जो शख्स अपनी औलाद के ख्याल, मगर तुम रखोगे कैसे, तुम रख नहीं सकते। आजकल का माहौल यह ज्यादा है, आजकल क्या सिस्टम है, मियां बीवी बूढ़े हो जाए, एक एक ही चारपाई पर दोनों रहते हैं, पुत्र भी होते हैं, पोते भी होते हैं, दोते भी होते हैं, दोते भी होते हैं, कौन ऐसा इंसान है जो उसकी बीवी उसके साथ बूढ़ा हो साथ है उसका मन में इंतजार न पैदा हो। ये प्रैक्टिकल लाइफ की जिंदगी बनाना चाहता हूं, क्या बता रहा हूं आप लोगों को, जरा मेरे बुढ़ापे की रहन करके मेरी बात को सुनो, अगर सच्ची मिल लगती है तो फिर अमल करो। तो मानसिक और शरीर ब्रह्मचर्य की गिरावट से इतना नुकसान नहीं जितना मानसिक ब्रह्मचर्य से नुकसान होता है। आप लोगों को पेश करते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि गुरु बन के क्या तुमने करना है, करेक्ट लाइन ऑफ एक्शन बताओ दुनिया को। मगर आजकल बच्चों का क्या कसूर है, जिन जज्बात से बच्चे हमने पैदा किए हुए आजकल सब आउट ऑफ कंट्रोल है, कौन रोक सकता है? लॉक फिर पटी के मर जाए कांग्रेस या जनता, कि दुनिया में इत्तेहाद आ जाए, शांति आ जाए, ये नहीं आएगी। इसका इलाज होगा जो मेरा यूजिंग है, डिस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद फिर जो कुछ हम कह रहे हैं फिर इसको लोग फॉलो करेंगे। अभी इसका वक्त नहीं आया, मैं सक्रिय नहीं रहा हूं, आइंदा आने वाले मदद की फाउंडेशन रख रहा हूं। इसलिए ये चूक है हमारी, तो मैंने आज आपको मुख्तसर में, कई लोगों ने जाना है अब तो मैं कहता हूं कि जो कुछ मैंने जिंदगी में सीखा है वो आपको बता जाऊं। क्या बता जाऊं? औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो। आजकल क्या है, अप्रश्न करा लो, ये ठीक है दुनियावी रूप से, मगर जब ऑपरेशन करा लेते हैं फिर उनको छुट्टी मिल जाती है, तो जितने मर्जी चाहे उसे भोग भोगते रहो, और इस ज्यादा उसे भोग कर दिए ये निकलता है कि इंसान का दिमाग कमजोर हो जाता है, किसी उम्र में उसको शांति नहीं मिलती है। दिस इज वन पॉइंट, ये कुछ हमारी चूक है। दूसरी चूक हमारी, मैंने आपको बता दिया कि घरों में रहते हो, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने सुबह भी बोला था कि ख्याल में ताकत है, एज शैल यू थिंक सो शैल यू बी। अगर घर में रहते हुए तुम लोग नफरत करते हो, बीवी से, बाप से, भाई से झगड़ा करते हो, तुम्हारे मन में अशांति आएगी, वो ख्याल तुमको मार जाएंगे। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला, होम पीस इज मोस्ट एसेंशियल। जिस घर में शांति नहीं है वहां कभी सुख नहीं है, कोई ना कोई ट्रबल आएगी। आप मैं क्यों कहता हूं, मैं कोई बात वो नहीं कहता जो मेरे तेल में आई। मेरे छोटे भाई के तीन लड़के मेरे पास पड़े हैं, वो पैसा नहीं भेजता था, मुझे 95 तनख्वाह मिलती थी, 7.5 कर जाती, 87 होते, तीन बच्चे मेरे, तीन उसके, 6, एक मैं, मेरी बीवी, 8, एक नौकर, 9 आदमी। अब 87 में बड़ा हार्ड दिल में गुजारा करता था, और मेरी हमेशा ही चिल्लाती थी कि ये तूने क्या मुसीबत डाल रखी है, मैं अपना खर्च नहीं चलता। तो मैं जानता था, मैं फकीर था, मैं अपने बच्चों से उसके बच्चों को ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसकी माँ भी यहाँ नहीं थी, बाप भी नहीं था। तो मैं जानता था कि जो और घर में क्रय करती है उसको सजा मिलती है, और उसको सबसे बड़ी सजा यह है कि या उसके लड़कों को कुछ हो या उसके खालू को कुछ हो। तो जब मैं अपना मकान बना रहा था तो मेरा दामाद आया, कहते ऐसा मकान बनाओ कि तुम्हारे दो लड़के बराबर बराबर तकसीम कर जाए। मैंने कहा तुम ये शुक्र करो कि एक बच जाए। क्यों? मैंने कहा मैं औरत के जज्बात को मैं जानता था कि जज्बा मिलेगी, और वो लड़का मेरा मर गया। ये मेरी जिंदगी के अपने तजर्बे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। मैं अपना मुंह काया करके अपने घर का आप लोगों को नसीहत करना चाहता हूं। मैं घर में जाता था, मेरी शादी की है, मेरे ताए के लड़के की शादी की, सास और बहू की नहीं बनती थी। तो मैंने जाना, कहना ब्रह्मे तू आकर घर अखी रहेंगी, बस सुनता काम था, जाता पड़ा सब कुछ चला गया। खाउन 5-7 दमे की बीमारी जरूर जोड़ के मर गया, ऑफ टीबी से मर गई। यह है मेरी जिंदगी के तजुर्बात। मैं अपने घर का मुंह काला करके ए दाता तूने कहा था तालीम बदले जाओ, मैंने जो कुछ समझा प्रैक्टिकल लाइफ में वो कह जाता हूं, आपकी मर्जी है सुनिए, आपकी मर्जी ना सुनिए, बस एक बात। तो ये चूक है हमारी, होम पीस और मानसिक और शरीर बल चले। दो, तीसरा आजकल क्या है, लड़का पैदा होता है जवान हो जाता है, वो कमाता नहीं, बाप पर बोझ है, भाई पर बोझ है, ऐसे बच्चों से लाख कोशिश करने वाला हो मां भी दुखी हो जाती है, बाप भी दुखी हो जाता है। ये हमारी है नहीं है, इस वास्ते मेरी तालीम यह हर एक बच्चे को कि जब तुम जवान हो जाओ
Earn your own living yourself. Apni roti aap kama ke khao. Don't depend upon father or mother. Maa baap khushi hai jo marzi de wo de. Magar depend mat karo. Ye hai raaz zindagi ka. Practical life mein bata raha hu aapko. Maine aapko ruhaniyat duniya ki bata di. Duniya ruhaniyat hoti hai. Ruhaniyat hai kya bra? हमारा अपने आप का प्रकाश में चले जाना, प्रकाशमय हो जाना ही रूहानियत है. रूहानियत हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, रूहानियत की कोई तालीम नहीं है. इशारा किया जाता है, तो जो रूहानी बनना चाहते हैं उनके लिए आसान तरकीब मैंने बता दी. क्या इंसान तेरे अंदर जितने ख्याल उठते हैं, विचार उठते हैं, ये सारे के सारे इमेजिनरी है, माया है. तुम उनको सत मानते हो, उसमें दुखी होते हो. अपना इष्ट प्रकाश और शब्द रखो. ये सनातन धर्म कहता है, जगत के मंदिर से पढ़ो. ऊर् स्वा तत् सभी त्रिवेणियम, ऊर् स्वा माँ जना तथा सत्यम तत् सभी. कहीं जो प्रकाश तुम्हारे अंदर है. और राजा स्वामी मत में सारे का राय साहब साहब राम की जात पात में कि सतगुरु सिर्फ शब्द स्वरूप है, उसके चरण प्रकाश है. और यही सनातन कहता है पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म. तो इसलिए मैं कोई फर्क सनातन धर्म में और संतों के मार्ग, संतों का मार्ग सिर्फ निवृत्ति मार्ग है, सिर्फ सर्वेशन के लिए है. संतों के मार्ग में ये दुनिया नहीं है. मेरे दिन में जो कोई ड्यूटी थी मैंने ईस्ट और वेस्ट को कट्ठा कर लिया. ये कहते हैं ईस्ट वेस्ट अमेरिका एंड वेस्ट, नो, ईस्ट हमारा खोपड़ी है, ये वेस्ट हमारा किस्म है. हमारे अंदर लाइट है, खुशी है, प्रेम है, मोहब्बत है. इस खुशी को, इस शांति को, इस आनंद को जब तुम ग्रेटफुलनेस में हो वहां ले आओ. इसके मैं ये ईस्ट का वेस्ट मिला देना और वेस्ट का ईस्ट मिला देना. समझ गए मेरी बात को? ये ईस्ट वेस्ट मिलेंगे नहीं, मर जाओ सारी जिंदगी कर दे. ये तो काल माया का चक्कर है. ये भी हो सकता इस लक्ष्य की मैंने में क्या है, मैंने आपको बता दिया. इस जो है ये हमारा खोपड़ी है, इसमें शांति है, इसमें लाइट है, इसमें आनंद है, इसमें अनुभव है. उस आनंद को, उस अनुभव को जो वहां होता है जब तुम जागते हो, उस आनंद को उस अवस्था में महसूस करो. इसके मैंने ईस्ट और वेस्ट को मिला देना. चालू कर लो. मैंने क्या कहा आपको? तो आज मेरे दिन में ड्यूटी थी. मैं एक जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ, बहुत फील करता हूँ. मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये मक्खी का डाला बनाया. इफ आई एम नॉट ट्रू टू यू पीपल I will be caught, I will be punished by the nature for cheating you people, for deceiving you people. अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं, बिल्कुल कोई बोझ नहीं. तो आज पढ़ इसको सतगुर मेरी, सतगुर मेरी चूक संभारो. तो जो चूक थी सतगुरु कैसे संभालता है? फूक मारता है जादूगर है सतगुरु. वो सत्संग में बैठा करके तुमको सच्ची बुद्धि देता है, सच्चा बात बताता है, तुम्हारे साथ प्रेम करता है, तुम्हारा वेल विशेष होता है. ये करता है सतगुरु. क्योंकि मैंने अपने आप को संत सतगुरु कहा, मैं अपनी जिम्मेवारी मैं कहता हूँ कि संत तू गुरु की क्या बुद्धि करता है? हाँ करता है. देखो मैंने किसी को नाम नहीं दिया, चेले नहीं बनाए. हजारा आदमी, हैदराबाद जाता हूँ हजारा आदमी, दिल्ली में जाता हूँ हजारा आदमी. मैं हैरान होता हूँ कि मैंने तो किसी को नाम नहीं दिया, चेले नहीं बनाए. ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़ते हैं? मेरी अकल नहीं काम करती.